हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रसायन। सो आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज़ एन फैक्टर। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय टीचिंग करियर दैट बहुत सारे बच्चों को एन फैक्टर का आइडिया ही नहीं होता है कि एन फैक्टर है क्या। सो विल ट्राई टू डीकोड कि एन फैक्टर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, विल ट्राई टू लर्न अबाउट दैट। तो एन फैक्टर को समझने से पहले हमें नॉर्मैलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। I have said, 1 liter solution में या 1000 ml solution में कितने gram equivalents present हैं, उसी को हम बोलते हैं normality। तो I hope you remember the formula also। तो normality को हम n से represent करते हैं, capital N से, that is equals to gram equivalent of solute upon volume of solution in liter। तो किसी भी 1 liter सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सभी को याद है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स का तो आइडिया सभी को है। यहाँ जो बच्चा अटकता है ना, वो अटकता है इस ग्राम इक्विवेलेंट टर्म में। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को समझते हैं हम। यहाँ जो ये ग्राम इक्विवेलेंट है, that is equals to weight in gram of that substance upon equivalent weight of that substance। तो मैंने सभी को कहा है कि किसी भी substance का अगर यहाँ पे हम solute का निकाल रहे हैं, gram equivalent निकालना है, that is equals to weight in gram of that solute upon equivalent weight of that solute। अब यहां पे वेट तो पता है सभी को, अगेन एक नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या है। सो वी विल ट्राई टू डीकोड दैट नाउ। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कहानी कहाँ शुरू हुई और कहाँ अटकी है, एन फैक्टर पे। तो एन फैक्टर को समझाने के लिए मैंने नॉर्मैलिटी समझाने की कोशिश करी। मैंने बताया आप सभी को किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 liter प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट इज वेटिंग ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट आप सभी को पता है। अगेन नाउ दिस इज एन फैक्टर जो हमें समझना है। ठीक है, तो थोड़े बहुत फॉर्मूले भी हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं एन फैक्टर की वैल्यूज को समझने से पहले। यहाँ पर जो आपके एन फैक्टर है, इट इज अ वैल्यू जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं, तब तो हमें मिलता है इक्विवेलेंट वेट। अभी जो एन फैक्टर की वैल्यू है, ये डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग होगी। जैसे एसिड्स के केस में अलग होगी, बेसिस के केस में अलग होगी, देन सॉल्ट्स के केस में अलग होगी, है ना। जो हमारे रॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनके केस में भी अलग अलग होगी। वी विल लुक इनटू दैट वन बाय वन। ठीक है, तो अभी भी मैंने क्या बोला आप सभी को, मैंने आप सभी को बोला कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मैं इक्विवेलेंट वेट की जगह ये डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट सब्सटेंस
अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये ऊपर आ जाएगा, इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, दिस इज मोल्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, जिसको आप कई क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज भी कर पाएंगे। अगर मैं एलएचएस और आरएचएस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इज नॉर्मैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो अगेन एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब जो हमें समझना है वो समझना है हमें ये एन फैक्टर की वैल्यू, एन फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ एसेट्स की। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो एन फैक्टर ऑफ एसेट है, दैट इज इक्वल्स टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की बेसिसिटी जो होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। नाउ व्हाट इज बेसिसिटी, यहां जो बेसिसिटी है दिस इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन। सो कितने एच प्लस आयन रिप्लेस किए जा सकते हैं, दैट इज इट्स बेसिसिटी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं तो दैट आपको उसकी बेसिसिटी, उससे आपको उसकी उसकी एन फैक्टर की वैल्यू आपको मालूम पड़ेगी। मैं कुछ एसेट्स लिखूंगा और साथ साथ उसके एन फैक्टर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं HCl। आप सभी जानते हो कि आपको HCl क्या दे सकता है, एक एच प्लस दे सकता है, तो उसकी एन फैक्टर वैल्यू कितनी हुई, 1। देन हम बात करते हैं HNO3 की। आप सभी जानते हैं कि ये भी कितना देगा, एक एच प्लस देगा, इसकी एन फैक्टर वैल्यू कितनी हुई, 1। बेसिसिटी भी कितनी हुई, 1। अगर मैं लूँ H2SO4, तो यहाँ पे जो H2SO4 है ये आपको एक एच प्लस भी दे सकता है और दो भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जनरली हम 2 लेते हैं क्योंकि जनरली हमें पता होता है कि वो दो ही रिलीज करेगा, लेकिन कई बार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे एक ही एच प्लस निकल रहा होता है, तो यू हैव टू टेक केयर इन दैट दोज रिएक्शंस। H3PO4, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको दिक्कत हो ना समझने में कितने एच प्लस निकलेंगे ऐसे केसेस में, तो आप देख सकते हो जितने भी ऑक्सीजन है यहाँ पे उसमें से एक माइनस करके, उसमें से एक माइनस कर दो, दैट इज प्योर बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आएंगी मैक्सिमम, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। दिस इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। अगेन H3PO3 इसका कितना होगा, 1 और 2। अच्छा, मैं आप सभी से पूछूं कि H3BO3 की बेसिसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बोला 2, एंड ध्यान रखना है 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा ये बोरिक एसिड है। ठीक है, याद रखिएगा दिस इज बोरिक एसिड और ये लेविस एसिड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसकी बेसिसिटी 1। तो मैंने अभी भी बोला आप सभी को कि ये बोरिक एसिड है और इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल इज इट्स एन फैक्टर। ये तो बात करी हमने एसिड्स की, नाउ लेट्स मूव टू एन फैक्टर ऑफ बेस। बेसिस की बात करूं तो एन फैक्टर ऑफ बेस इज एसिडिटी ऑफ बेस। आसान भाषा में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन।
कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकल सकते हैं आपके बेस से, दैट इज इट्स बेसिसिटी एंड दैट इज इट्स एसिडिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, अगेन कुछ बेस लिखता हूँ और उसके एन फैक्टर की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे पूछूँ के ओ एच की वैल्यू कितनी होगी एन फैक्टर की, आप सभी जानते हो एक ही ओ एच देगा, एक होगी। एन ओ एच की कितनी होगी, एक होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितनी होगी, दो होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितनी होगी, तीन होगी, है ना। आई होप आप सभी को बेसिस का एन फैक्टर निकालना आया। अच्छा अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, मगर आपसे पूछूं कि NH3 का एन फैक्टर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये सारे क्या थे, अरहेनियस बेस, क्या ये भी अरहेनियस बेस है? नो, ठीक है, ये लेविस बेस है। लेविस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर उसने दिए पर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर। अगेन इथाइलिन डायमिन ले लेते हैं, आप सभी जानते हो कि दो नाइट्रोजन एटम हैं और यहां से डोनेट कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, दो हुआ। अच्छा वाटर का एन फैक्टर क्या बताओगे आप सभी, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, है ना, तो क्या टू बोलेंगे? नो, इसका एन फैक्टर वन होता है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हो तो वाटर के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, है ना। अगर ये एक और दे देगा तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल कर देगा। आई होप आपको एन फैक्टर ऑफ बेसिस समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो भी सॉल्ट है उसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, जो भी उसमें कटायन प्रेजेंट है जिसके उसी कारण आ रहा है, और टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों में से एक लेना है, दैट इज ड्यू टू अनायन प्रेजेंट इन दैट, दैट इज इट्स एन फैक्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया है कि सॉल्ट्स में जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है कटायन का, कटायन की वजह से जो आ रहा है, या टोटल नेगेटिव चार्ज कटायन की वजह से आ रहा है, दैट इज इट्स एन फैक्टर। तो कुछ सॉल्ट्स ले लेंगे और उसका एन फैक्टर। अच्छा मैंने लिया K2SO4, तो सभी जानते हैं कि आपका जो K2SO4 है कैसे ब्रेक होगा 2K+ में एंड SO4 2 नेगेटिव। आप सभी जानते हैं कि कटायन के वजह से टोटल चार्ज कितना आ रहा है, प्लस टू, इसकी वजह से माइनस टू। एन फैक्टर जस्ट अ नंबर, इसमें कुछ चार्ज नहीं होता, तो वैल्यू कितनी आई, या तो आप प्लस टू के कारण जो टू आ रहा है वो ले लीजिए, जो सल्फेट आयन की वजह से माइनस टू आ रहा है उसमें से टू ले लीजिए। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कटायन चूज करना चाहते हैं या आयन चूज करना चाहते हैं। बात करते हैं AlCl3 की। आप सभी जानते हैं कि ये डिसोसिएट होगा Al3+ एंड Cl नेगेटिव में, तो आप कोई भी चूज कर लीजिए। एन फैक्टर कितना आया, 3। यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव है, तो -1 × 3 इज अगेन -3। एक और लेते हैं मॉलिक्यूल K2SO4.Al2SO4 होल्ड्राइस, ठीक है, .24S2O, ठीक है। इसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को। इसमें हम चेक करते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। एकदम कटायन चेक कर लेते हैं इसमें, इसमें 2K+ है और 2Al3+ है, तो इससे आ गया +2, इससे आ गया +6, टोटल कितना हो गया +8। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, 8। किसी को अगर फील हो रहा हो कि इससे नहीं, सर आप अनायन से बताइए, तो इसके वजह से कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -2 × 3 -6, टोटल कितना हुआ -8। तो
अगेन कितना आया एन फैक्टर, 8 ही आया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि हम सॉल्ट्स में एन फैक्टर कैसे चेक करते हैं। आप सभी को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर मुझे एन फैक्टर का, इसका एन फैक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। KCl.MgCl2.6H2O। सो प्लीज डू लेट मी नो इसका एन फैक्टर आप क्या बताएंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या देखा, एसिड्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेसिस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं और सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आई होप आपको इसकी एन फैक्टर की वैल्यू क्लियर हुई होगी। करना क्या है, जिसका भी आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसका एन फैक्टर निकालिए, उसके मोलर के बेसिस को डिवाइड कीजिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सपोज आपसे कोई पूछ ले कि बताइए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 98 अपॉन इसका एन फैक्टर मैक्सिमम कितना होगा, 2। जब तक मैं कुछ बोलूंगा तो 2 ही मानिए, ठीक है, कितना आएगा, 49। यू कैन इजीली सी कि एन फैक्टर निकालना यहाँ पे कितना आसान है अगर आपको वो समझ में आ गया हो, ठीक है। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय करियर कि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और अपने क्लासमेट से भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना आप भी सीखेंगे, ठीक है। डू लेट देम नो ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अगर आपका वो कॉम्पिटिटर भी है, अगर आप जो शेयर करेंगे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो यू ऑल्सो हैव अ टारगेट कि हाँ इसको भी आता है मुझे भी आता, नाउ अगेन आई नीड टू डेवलप मोर माई सेल्फ सो दैट आई कैन अगेन ग्रो मोर देन दैट चाइल्ड, ठीक है। तो कोशिश करना है हमेशा एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को हेल्प करने से ही हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, अब हमारे पास एक नया पॉइंट है समझने के लिए, और वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर जो है इसमें, दैट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर फॉर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ओके, लेट अस टेक अ केस, Na2S2O3 से आपको मिला Na2S4O6, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए यहाँ पे एन फैक्टर क्या है। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सल्फर का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज निकालते हैं एक बार, इसको x मान लेते हैं, 2 + 1 2x - 6, सो 2x - 4 x = +2। तो यहाँ कितना आया, +2। यहाँ निकालते हैं, यहाँ कितना आ रहा है सल्फर का, सो +2 + 4x - 12, 4x = 10, x = 2.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस का 2.5। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां जाने में कितना चेंज आया है, तो आप क्या बताएंगे, सर 2 से 2.5 जाने में 0.5 का चेंज आया है, और यहाँ पे सल्फर के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप बोलोगे 2, तो आप क्या करोगे, 2 × 0.5 कर दोगे, कितना आएगा 1, वो इस इन्फेक्टर, वो होगा इन्फेक्टर इस मॉलिक्यूल का। तो आई होप आपको इन्फेक्टर इस मॉलिक्यूल का निकालना आया, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं,
Ne2S2O3 gives you Ne2SO4. अगेन यहाँ कितना आएगा प्लस टू, यहाँ निकालिए 2x, सॉरी प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट, एक्स कितना आया प्लस सिक्स, तो यहाँ कितना है प्लस सिक्स। आप मुझे बताइए कितने का चेंज आ रहा है, प्लस टू से प्लस सिक्स का चेंज है, तो कितने का चेंज हुआ टोटल, प्लस फोर का चेंज है ना। कितने हैं मॉल, कितने हैं यहाँ पे एटम्स सल्फर के, दो हैं, तो कितने का चेंज है टोटल एन फैक्टर, एट आया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। बात करते हैं केमेनो फोर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत यूज होता है ये। केमेनो फोर की बात करूं तो ये हमेशा, ध्यान सुनिएगा, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन ऑल मीडियम, चाहे आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए, बेसिक मीडियम ले लीजिए, न्यूट्रल मीडियम ले लीजिए, इट विल ऑलवेज वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ हम एक एक केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, आपका जो एमिनो फोर नेगेटिव है, आप सभी जानते हैं ये के प्लस में होगा और ये एमिनो फोर नेगेटिव में होगा। ये जो आपका एमिनो फोर नेगेटिव है, दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू एमिन प्लस टू इन एसिडिक मीडियम। तो कैन यू टेल मी एन फैक्टर इन दिस, आप सभी जानते हैं निकालना, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस सेवन, तो एन फैक्टर है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया प्लस सेवन, यहाँ कितना आ रहा है प्लस टू, चेंज कितने का है प्लस सेवन से प्लस टू, फाइव का चेंज है ना। तो एन फैक्टर कितना हुआ फाइव, सिंस यहाँ पे एक ही एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर। आई होप आपको एसिडिक मीडियम में निकालना आया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट एन बेसिक मीडियम। तो बेसिक की बात करूं मैं अगर, तो बेसिक में आपको जो एमिनो फोर नेगेटिव है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो फोर टू नेगेटिव, ठीक है, तो यहां कितना होता है प्लस सेवन, यहां कितना होता है प्लस सिक्स, निकाल सकते हैं आप सभी, नहीं आए लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। तो यहां पे प्लस सेवन से प्लस सिक्स का चेंज है, कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, वेरी गुड, वन का चेंज। यहाँ पे एक ही पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो एन फैक्टर कितना हुआ यहाँ पे वन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको वो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर पूछ लेगा, बेसिक मीडियम एन फैक्टर पूछ लेगा, या न्यूट्रल में ही एन फैक्टर पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि केमेनो फोर का बिहेवियर कैसा है। न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, न्यूट्रल की बात करूं बेटा, तो आपका जो ये एमिनो फोर नेगेटिव है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो टू, तो वो प्लस सेवन से इस बार किसमें जा रहा है प्लस फोर में। जिसको ये निकालना नहीं आता, मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ऑक्सीजन नंबर निकालना सिखाया हुआ है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है, और प्लीज बाकी बच्चों से भी शेयर करें, अपने स्कूल में अपने क्लास में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया, यहाँ पे पहले तो चेंज कितना आया, थ्री का चेंज आया है ना, तो एन फैक्टर भी कितना होगा थ्री है ना, ये मैंने गलती से लिखा है, ओके। कई बार ऐसा होगा कि आपको केमेनो फोर के बारे में बोल देगा लेकिन वो मीडियम मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ मीडियम इज नॉट मेंशन अज्यूम इट्स एसिडिक मीडियम, इफ मीडियम इज नॉट मेंशन देन अज्यूम इट इज एसिडिक मीडियम। ठीक है, कुछ और लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का समझ में आएगा एन फैक्टर निकालना। बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4।
सभी जानते हैं ये, दिस इज ऑक्सलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? COH COOH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलिक एसिड। अच्छा ये कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा डाइबेसिक होगा? इट इज डाइबेसिक। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि ये डाइबेसिक है। जिसको नहीं पता है उसको मालूम पड़ेगा, यानी कि दोनों एच प्लस से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इन्फेक्टर क्या होगा? देखिए जब भी ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या देगा, दो एच प्लस देगा और ऑक्सलेट आयन देगा। जितने एच प्लस देगा उतना ही उसका इन्फेक्टर होगा। तो यहाँ पे इसका इन्फेक्टर कितना हुआ, जब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इन्फेक्टर हुआ दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एक और बिहेवियर की, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सलिक एसिड जो है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। और जब भी आपका ऑक्सलिक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा तब कैसे निकालते हैं इसका इन्फेक्टर, ध्यान दीजिएगा। H2C2O4 जब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करेगा ये हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कार्बन का, कितना आ रहा है, 2-8-6, 2x-6 +3। यहाँ कितना आ रहा है, +4। कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आ रहा है +1 का। कितने हैं एटम पर मॉलिक्यूल, दो हैं। तो इन्फेक्टर यहाँ पे कितना हुआ, दो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है कि चलो ठीक है हमें तो इन्फेक्टर दोनों को दो ही है, चलने दो काम। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तब आप क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कहाँ क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जब भी आपका ये ऑक्सैलिक एसिड है इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगी तो आपको हमेशा ही क्या देगा, CO2 देगा, क्योंकि ये खुद कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने जो बोला है उसको समझाने के लिए और अच्छे से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ तो सेम हो गया था, एक एग्जांपल देता हूँ और जिसमें अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने ले लिया इस बार सोडियम बाईऑक्सलेट, तो दिस इज योर सोडियम बाईऑक्सलेट। ठीक है, सोडियम बाईऑक्सलेट। अच्छा आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आयन है, एक ही है। ठीक है, तो जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इन्फेक्टर किसका कितना होगा, वेरी गुड, 1 होगा। व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, नाउ सभी जानते हैं कि अगर डिसोसिएट होगा किसमें होगा, ये आपको ये Na+ बाहर आ जाएगा, H+ बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा, ऑक्सलेट आयन। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सलेट आयन जो है वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओगे तो वो क्या देगा, ये CO2 देगा। ये कहाँ जा रहा है, ये +3 से +4 में जा रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द चेंज, यहाँ पे पर एटम चेंज आ रहा है एक का, तो टोटल इन्फेक्टर कितना आया, 2 आया। आई होप आपको यहाँ पे इन्फेक्टर निकालना आया। चलिए एक अच्छा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें हम इन्फेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल इज K4FeCN6 गिव्स यू K+Fe3+CO2+NO। तो मैं पूछ रहा हूं आप सभी से कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का एन फैक्टर क्या है, निकालते हैं। यहाँ पे पोटेशियम पे चार्ज कितना होगा, +1। इस पे निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं सी नेगेटिव कितना होता है, -1। इसका एक्स मान लीजिए, तो एक्स प्लस 6 × -1 = -1, सॉरी -4, क्योंकि यहाँ पे चार है बेटा पोटेशियम। X-6 = -4, एक्स कितना आया, +2। तो यहाँ पे आयरन पे कितना है, +2।
टोटल जो आपका जो सी एन नेगेटिव है, टोटल जो आपका सी एन मॉलिक्यूल है इसे माइनस चार्ज, ठीक है। अब सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ प्लस थ्री आएगा, तो यहाँ माइनस थ्री आएगा, है ना। नाउ प्लस थ्री माइनस वन, तो कार्बन पे कितना आ गया चार्ज, प्लस टू। नाइट्रोजन कितना आ गया, माइनस थ्री। तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस टू से कहाँ जा रहा है, प्लस फोर पे। नाइट्रोजन माइनस थ्री से कहाँ जा रहा है, प्लस टू पे। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पोटेशियम प्लस वन में है, प्लस वन में है, है ना। आप सभी जानते हैं कि यहां पे आयरन प्लस टू से कहां जा रहा है, प्लस थ्री में। तो कितने का चेंज आया, एक का, ठीक है। कार्बन को देखिए, प्लस टू से प्लस फोर का चेंज, टोटल चेंज कितना, टू का चेंज। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं कार्बन के, छह, सिक्स इंटू टू प्लस। नाइट्रोजन की बात करते हैं, माइनस थ्री से प्लस टू का चेंज, तो कितने का चेंज, ध्यान दीजिएगा, माइनस थ्री से प्लस टू का चेंज, तो कितने का चेंज हुआ, पांच का चेंज हुआ। कितने हैं नाइट्रोजन के एटम, छे, सिक्स फाइव जा थर्टी, वन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टी कितने हुए, फोर्टी थ्री। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आया, फोर्टी थ्री। आई होप आप सभी को एन फैक्टर निकालना आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉपर है उस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू, प्लस टू तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। सल्फर का कितना आएगा, प्लस सिक्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने पूछा आप सभी से इसका एन फैक्टर बताओ। कॉपर प्लस वन से प्लस टू का चेंज, एक एक आटम एक का चेंज दिखा, दो कितने का दिखाएगा, दो का चेंज दिखाएगा। प्लस सल्फर माइनस टू से प्लस सिक्स का चेंज, यानी कि एट का चेंज, यहाँ पर देखिए एट, एन फैक्टर कितना हुआ, टेन। आई होप आप सभी को एन फैक्टर निकालना आया। अगर सच में आप सभी को एन फैक्टर निकालना आ गया है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।